एक व्यक्ति जो कभी भी किसी फिल्म के फ्रेंचाइजी को आगे ले जाता है तो उसके डायरेक्टर्स को रिपीट करने में विश्वास नहीं रखता। एक डायरेक्टर जो कि ओपनली ये कह चुका है कि वो सीक्वल्स बनाने में विश्वास नहीं रखता और जब तक उसकी आने वाली फिल्म रिलीज नहीं हो जाती वो किसी और फिल्म के बारे में सोच नहीं सकता। क्या ये दोनों की मुलाकात पॉसिबल थी या नहीं थी? या फिर एक डायरेक्टर जो अब इतनी सफलता प्राप्त कर चुका है कि अब खुद के पैरों पर फिल्में प्रोड्यूस करना चाहता है एंड फिल्में बनाना चाहता है, क्या वो दोनों डायरेक्टर्स इस बड़े मेकर किंग मेकर के साथ फिर से जुड़ते? आज का एपिसोड इसी के बारे में। वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। जब से गाइज मैंने आपको बताया है कि टाइगर 3 को मनीष शर्मा डायरेक्ट करने वाले हैं, सबसे बड़ा सवाल जो जनता के मन में है, जनता के दिलों में है कि व्हाई इज टाइगर 3 नॉट बीइंग डायरेक्टेड बाय अली अब्बा जफर। एंड फिर उसके बाद ये बातें आई कि आदित्य चोपड़ा, सलमान खान एंड YRF की टीम वॉन्ट कबीर खान बैक ऑन बोर्ड टू डायरेक्ट द थर्ड पार्ट ऑफ टाइगर। सभी लोगों के मन में ये सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अली अब्बा जफर एंड कबीर खान इन दोनों ने ये फिल्म नहीं की। मतलब बस टू बी रियली ऑनेस्ट, मनीष शर्मा जो व्यक्ति हैं इनको बहुत सारी फिल्में YRF 50 में से करने की अपॉर्चुनिटीज मिली। ही हैज बीन गिवन टू डायरेक्ट अक्षय कुमार फिल्म, उसके बाद एक बहुत बड़ी फिल्म है जिसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। दो फिल्में थी उनके हाथ में जो कि वो डायरेक्ट करने वाले थे। एक्शन का लेवल, एक्शन का स्केल बहुत बड़े होने वाला था उस फिल्म का, एक तो अक्षय कुमार की फिल्म का एंड एक दूसरी फिल्म है जो कि बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, लेकिन अब उसके बारे में बात फिलहाल नहीं कर सकता हूं मैं। तो दो फिल्में थी उनके पास मनीष शर्मा के पास। अब गाइज पॉइंट ये था कि कबीर खान का एक बहुत ही बेसिक रूल है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों को पता चलेगा क्योंकि गाइज कबीर खान नॉट डूइंग टाइगर 3 हैज बिकम द टॉक ऑफ द टाउन। कबीर खान ने ये बात एकदम क्लियरिफाई की है कि अगर मुझको टाइगर 3 बनानी होती तो मैं टाइगर 2 बनाता या नहीं बनाता। यस मेरा भाई, उन्होंने कहा है कि आई डोंट डू सीक्वल्स। उन्होंने टाइगर 3 को लेकर जब उनको पूछा कि आपने टाइगर 3 को क्यों डायरेक्ट नहीं किया या फिर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा अगर मुझे टाइगर फ्रेंचाइजी आगे ले जानी होती तो मैं टाइगर 2 डायरेक्ट नहीं करता क्या। इसी का कारण है गाइस, कबीर खान वॉन्ट्स टू रिमूव 83 कम्प्लीटली आउट ऑफ द सिस्टम। एंड उसके बाद द बिगेस्ट न्यूज आई एम गोइंग टू गिव टू ऑल ऑफ यू इज दैट ही इज राइटिंग 2 बिग स्क्रिप्ट। यस मेरा भाई, एंड एक स्क्रिप्ट उसमें से है नन अदर देन फॉर सलमान खान। यस फ्रेंड्स, कबीर खान इज राइटिंग 2 स्क्रिप्ट राइट नाउ, वन ऑफ देम इज फॉर सलमान खान। अब कब होती है, क्या होती है, कैसे मटेरियल होती है ये मुझे पता नहीं। तो गाइस जितने लोगों को ये प्रॉब्लम थी, ये इशू था कि कुछ पंगा हो चुका है ट्यूबलाइट के बाद सलमान खान कबीर खान का, ऐसा कुछ भी नहीं है। दबंग 3 के प्रीमियर पे अगर आपने देखा होगा गेस्ट लिस्ट में वहां पे कबीर खान भी आए हुए थे। यस मेरा भाई, मिनी माथुर, कबीर खान अब वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ सलमान खान। तो ऑल दीज रूमर्स एब्सोल्युटली रबिश। बात ये हुई है कि कबीर खान वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन डायरेक्टिंग टाइगर फ्रेंचाइजी एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड। नंबर 2, आदित्य चोपड़ा डज नॉट बिलीव इन रिपीटिंग हिज डायरेक्टर्स ऑफ फ्रेंचाइजीज। यानी कि आदित्य चोपड़ा विश्वास नहीं रखते हैं अपने जो डायरेक्टर्स हैं फ्रेंचाइजीज के, उनको आगे ले जाने में। वरना कौन इमेजिन करेगा कि धूम 1 एंड धूम 2 की अपरंपार सफलता के बाद यू नो आदित्य चोपड़ा ब्रिंग्स इन विजय कृष्णा आचार्य। आई मीन नो सेंसिबल पर्सन वुड डू दैट, लेकिन उन्होंने उस पे ट्रस्ट दिखाया, उन्होंने उनको यहाँ पर लाया। टाइगर एक था, टाइगर इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर, उस समय की बेस्ट ओपनिंग डे फिल्म जिस बंदे ने डायरेक्ट की कबीर खान, उसको रिप्लेस करके एक नए डायरेक्टर, एक नए लड़के को, नया लड़का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, यू नो अली अब्बास जफर को टाइगर जिंदा ही कमान हाथ में दे दी है। सी डिड अ सुल्तान, लेकिन द लेवल ऑफ सुल्तान एंड द लेवल ऑफ टाइगर जिंदा इज एब्सोल्युटली वास्ट डिफरेंस। मगर आदित्य चोपड़ा इज नोन फॉर टेकिंग दिस डिसीजंस, एंड इसी का कारण है दोनों तरफ से, यहाँ कबीर खान के तरफ से भी, आदित्य चोपड़ा के तरफ से भी म्यूचुअली ये डिसीजन हुआ है कि मनीष शर्मा विल कम ऑन बोर्ड टू डायरेक्ट द थर्ड पार्ट ऑफ टाइगर 3। यस फ्रेंड्स, ये अभी हुआ है, ये बहुत दूर की बात नहीं है, ये पिछले 14-15 दिनों में ही ये डिसीजन लिया गया है मनीष शर्मा को बोर्ड पे लाने के लिए। एंड गाइस आई विल गिव यू अनदर ब्रेकिंग न्यूज टुडे, टाइगर 3 का टाइटल रजिस्टर कर दिया गया है।
यस मेरा वाई टाइटल, टाइगर 3 का टाइटल हैज बीन रजिस्टर्ड एंड YRF कितना सेक्रेटिव है ये आप भी जानते हो, उनमें बहुत सीक्रेसी रखता है अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में। बस गाइस अब कुछ ही दिनों का इंतजार है, आपके सामने सभी चीजें आ जाएगी टाइगर 3 को लेके, उसका टाइटल, उसका ऑफिशियल डायरेक्टर का अनाउंसमेंट, उसकी ऑफिशियल यू नो शूटिंग कब होगी। एंड गाइस एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, YRF 50 जब अपनी फिल्में अनाउंस करेंगे तो उनके रिलीज डेट्स भी सामने आपके होंगे। यस फ्रेंड्स दे विल कम अप विद द रिलीज डेट्स ऑफ द फिल्म्स। एंड गाइस अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जितने लोगों को डाउट है मनीष शर्मा को लेके। गाइस तो इससे पहले सलमान खान की जितनी भी फिल्में रही है जो आइकॉनिक एंड हिस्टोरिक फिल्म्स की बात करते हैं, चाहे वो बजरंगी भाईजान हो, बजरंगी भाईजान के पहले कबीर खान, आई डोंट थिंक ही हैड डन सच अ बिग फिल्म, सच अ ह्यूज फिल्म, वहां पे उन्होंने उनको यू नो भरोसा दिखाया उन पे, एंड ही ब्रॉट कबीर खान यू नो बैक ऑन बोर्ड फॉर यू नो बजरंगी भाईजान। उसके बाद सुल्तान में कौन इमेजिन करेगा मेरे ब्रदर की दुल्हन जैसी फिल्म बनाकर, हाँ गुंडे ऐसी फिल्म बनाकर एक अली अब्बा जफर जैसे आदमी को सुल्तान की कमान देने के। सो गाइस सलमान खान जो बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स हैव बीन विद न्यू डायरेक्टर्स, इसलिए हमको थोड़ा यू नो मनीष शर्मा पर भरोसा दिखाना होगा। एंड एज अ डायरेक्टर मनीष शर्मा इज विजन इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जितने लोगों को डाउट है जाके फैन जो कि बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी वो जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने इतनी मेहनत की थी उस फिल्म में, राइट फ्रॉम द VFX स्टैंडिंग यू नो शोल्डर टू शोल्डर विद शाहरुख खान, एंड जितने भी सीक्वेंसेस थे फैन के सेकेंड हाफ में, द चेस सीक्वेंसेस, द पाकर सीन्स, द एक्शन यू नो गौरव के बीच में और उसका यू नो साथ में रहता है शाहरुख खान उसके बीच में, बहुत बेहतरीन है। तो आई थिंक ही इज अ परफेक्ट चॉइस। एंड गाइस ये सब कुछ मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आदित्य चोपड़ा अलॉन्ग विथ हिज राइटर्स यू नो इज सुपरवाइजिंग द फुल स्क्रिप्ट एंड द प्रोजेक्ट। ये आदित्य चोपड़ा का प्रोजेक्ट होने वाला है, इसमें आदित्य चोपड़ा पूर्ण तरीके से ध्यान देने वाला है, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, चिंतित मत रहिए, यही रीजन है गाइज। एंड बात करें अली अब्बा जफर की, अली अब्बा जफर का जो प्रोजेक्ट था ये मैंने आई थिंक 14 मई को जो एपिसोड बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से टाइगर 3 अभी इनडेफिनेटली पोस्टपोन हो गई है, 2021 तक तो शूट स्टार्ट होने की सोचना भी मत आप लोग। उसी दिन मैंने आपको बताया था जो टाइगर जिंदा है के बाद टाइगर 3 का जो पार्ट था जो अली अब्बा जफर ने इंटरव्यूज में कहे थे, मैंने उसके बारे में बहुत एपिसोड भी बनाए हैं कि आई हैव एन आइडिया, मैंने आदित्य चोपड़ा को बताया है, आई हैव डिस्कस्ड विद सलमान खान, उन लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आया, वो एक अलग ही सब्जेक्ट था गाइज, दैट इज नॉट दिस फिल्म, दिस इज अ कंप्लीट न्यू कॉन्सेप्ट गाइज, इज गोना ब्लो योर माइंड। जब आपको पता चलेगा ये कॉन्सेप्ट क्या है यो गोना गो क्रेजी, एंड बहुत लोगों को सुन रहा हूँ टाइगर वर्सेस जोया, अरे यार कोई कुछ काम धंधा नहीं है तो बंकस मत करो यार, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला टाइगर वर्सेस जोया, जो भी होगा इट्स गोना ब्लो योर नट्स ऑफ, बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही फाड़ू बोल सकता हूँ स्क्रिप्ट लिखा है, ऐसी फिल्म सलमान खान को बैंग ऑन लेकर आएगा एंड ब्लास्ट द बॉक्स ऑफिस। सो आई थिंक मैंने सब क्लियर कर दिया डाउट्स अबाउट टाइगर 3, वाई कबीर खान डिड नॉट से येस टू डूइंग द सीक्वल, वाई अली अब्बा जफर इज नॉट देयर, वाई मनीष शर्मा इज अ गुड चॉइस, द टाइटल ऑफ टाइगर 3 हैज बीन रजिस्टर्ड, इंशाल्लाह बस इंतजार कीजिए 15 अगस्त या अगस्त के यू नो आखिरी वीक में कभी भी इस फिल्म की अनाउंसमेंट होगी। एंड येस दिस इज द फर्स्ट फिल्म ऑफ द YRF 50 ग्रैंड प्रोजेक्ट, तो 50 साल जो कंप्लीट करने वाली है YRF 50 उसका ये पहला प्रोजेक्ट होगा। एंड सब्सिक्वेंटली आने वाले टाइम पर चाहे वो सिद्धार्थ आनंद की फिल्म हो या फिर विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म या फिर शिव रवेल की फिल्म हो या फिर और जितने लोग होने वाले इस प्रोजेक्ट में, आई थिंक 2 और प्रोजेक्ट्स होने वाले इस फिल्म में, उनकी फिल्म हो वो सारी की सारी YRF 50 में होने वाली है। हाँ अब ये एक साथ आएंगे या अलग अलग आएंगे ये नहीं होने वाला गाइस, क्योंकि फिल्में अनाउंस होना शुरू होगी फ्रॉम टाइगर 3, यानी बहुत धूमधाम से अनाउंस होगा, बहुत ही शोर शराबे से अनाउंस होगा, ऐसा नहीं कि चुपके से अनाउंसमेंट होगा, इट्स गोना बी अ ह्यूज ह्यूज अनाउंसमेंट। एंड यस इन सारे लोगों ने लॉकडाउन से पहले एक वीडियो भी शूट कर लिया है अबाउट द YRF 50, सब लोगों का वीडियो रिकॉर्डिंग भी है बाकायदा YRF स्टूडियो में, जब सूर्यवंशी की यू नो मिक्सिंग चल रही थी, जब उसका जो फाइनल कॉपी बन रही थी आई थिंक अराउंड March 1st week, जब सूर्यवंशी का आई थिंक ट्रेलर की यू नो ट्रेलर बना रहे थे वो लोग बैठकर, तभी उस समय पर यू नो VFX स्टूडियोज है यशराज का, उसके बाजू में वहां पर उसकी मिक्सिंग की जा रही थी वो वीडियो की जो इन स्टार्स ने शूट किया। तो बहुत बड़ा वीडियो है YRF 50 का जो इन लोगों ने शूट किया, तो सबके लिए इंतजार कीजिए, सब आने वाला है, बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। मैं अमरन साई साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।